दोस्तों, अगर आप लोग उधारी मधुमक्खी से लोन लिए हो और आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि उधारी मधुमक्खी लोन एप्लीकेशन अब से जो है खुद से आप लोगों को कॉल करके परेशान नहीं करेगा। वो खुद से जो है आपके फोन में DND एक्टिवेट कर रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर रहा है। आपके पास कोई भी कॉल्स नहीं जाएगा। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। क्या है सारा कुछ जानकारी आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सही तरीके का चीजें पता चलेगा, नहीं तो आप लोगों को सही तरीके का चीजें पता नहीं चलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग भी साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग अगर देखे होंगे कि अगर ट्विटर में जाके आप कोई भी कंप्लेन डालते हो RBI को और कोई भी कंपनी को डालते हो, कंप्लेंट वहां पर टैग करते हो, तो कंपनी जो है तुरंत वहां पर SMS करते हैं, तुरंत रिप्लाई करते हैं कि ऐसा ऐसा हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है वहां पर देखने को मिलता है। तो आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही रिप्लाई जो है आप लोगों को दिखाने वाला, जो कि उधारी मधुमक्खी की तरफ से ये मिला है। अब वो रिप्लाई क्या है और वो रिप्लाई क्यों किया है, किसने क्या लिखा था, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। वो आप लोगों को दिखाने के बाद सारा कुछ डिटेल वाइज सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं अपने फोन के स्क्रीन पर चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूँ वो स्क्रीनशॉट जो कि वहां पर हमारी उधारी मधुमक्खी जो है खुद से लिखा है, जो चीजें वो क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, कोई भी हैरेसमेंट कर रहा है, डायरेक्टली RBI को कंप्लेंट करो NBFCs के बारे में, या फिर आप बैंक्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वहां पर RBI को ट्वीट करो। तो यहां पर सेम चीजें ट्विटर में जाके यही चीज देखने को मिला, आप लोगों को स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है। उस स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर रिप्लाई में आया है, यहां पर लिखा है, बट नाउ योर रिकवरी एजेंट कॉलिंग एंड टॉकिंग रूडली टू पे ऑल अमाउंट एंड क्लोज लोन, अदरवाइज होम विजिट नाउ। तो कॉल्स का कुछ स्क्रीनशॉट्स यहां पर डाला गया था। उसके बाद नीचे तुरंत जो है यहां पर उधारी मधुमक्खी ने रिप्लाई किया और रिप्लाई में क्या लिखा है देखिए, डियर सुरेश, आवर टीम ट्राइड टू कॉन्टेक्ट यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बट नंबर वॉज अनरीचेबल, वी हैव एक्टिवेटेड DND ऑन योर प्रोफाइल, प्लीज बी एश्योर्ड वी वोंट रिसीव यू वोंट रिसीव सॉरी यू वोंट रिसीव कॉल SMS मैसेजेस फ्रॉम अस अंटिल 16 मई 2024 एज पर रिक्वेस्ट। तो यहां पर क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस भी बंदे ने यहां पर जो पोस्ट किया है, जो टैग किया था RBI को और उधारी मधुमक्खी को, कि उसके पास कॉल्स आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि उसने लोन लिया था और लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो एजेंट कॉल करके धमकी दे रहा है, बोला कि पूरा पेमेंट करो अभी और लोन क्लोज करो। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है, तुरंत जो है रिप्लाई मिला है उधारी मधुमक्खी की तरफ से, हम जो है आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रजिस्टर्ड नंबर पे, लेकिन कॉल आप रिसीव नहीं कर रहे हो या फिर अनरिचेबल आ रहा है, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ पर यह भी लिखा है, वी हैव एक्टिवेटेड DND ऑन योर प्रोफाइल, तो आपके प्रोफाइल पे हम DND एक्टिवेट कर दे रहे हैं, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, प्लीज बी एश्योर्ड यू वोंट रिसीव कॉल SMS मैसेजेस फ्रॉम अस अंटिल 6 मई 2024। यहां पर आप लोगों को बोला जा रहा है, मतलब जिसको भेजा है उनको बोला जा रहा है कि 16 मई 2024 से आपके पास कोई भी कॉल्स, कोई भी मैसेजेस नहीं जाएगा। ये देखने के बाद आप लोगों के मन के अंदर खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहने वाला। लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट है जो कि आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। यहां पर ये जो मैसेज है ये लिखा है, कंप्लेंट किया था, उसके बाद जो है रिप्लाई मिला था। अब आप देखोगे बोलोगे बोलेगा कि आपको जो है ऐसा जो है DND एक्टिवेट कर दिया, आपके पास कोई भी कॉल्स नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद से जो है फिर से कॉल आना चालू हो जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां पर मानो आप लोगों ने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आप डिफॉल्ट कर गए और उसी के बेसिस में आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो यहां पर DND एक्टिवेट डू नॉट डिस्टर्ब जो है ये इसमें एक्टिवेट नहीं होगा, इसमें एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट कब होगा पता है, जब इस कस्टमर ने उनसे बात किया तब उनको पता चला कि भाई ये DND एक्टिवेट करने का बात जो कर रहा है, अगर मानो आप कभी भी किसी में रजिस्टर्ड किया था ऑन, आपने लोन नहीं लिया, लेकिन जो प्रोमोशनल SMS होता है ना, जो उधारी मधुमक्खी या फिर लोन एप्लीकेशन की तरफ से कॉल्स SMS आता है कि आपको लोन चाहिए, आपको अभी तुरंत मिल जाएगा लोन, 5 मिनट के अंदर 15,000 का लोन मिलेगा या 2 लाख का लोन मिलेगा, तो ये जो कॉल्स है SMS है वो DND जो है एक्टिवेट करेगा। यहां पर कोई भी लोन डिफॉल्ट करने वालों का DND एक्टिवेट होने वाला नहीं है, ये चीज जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। और आप लोग सोचते हो कि भाई मेरा जो है बल्ले बल्ले हो गया, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं यहां पर जो भी है ये ऑटोमेटेड सर्विस है, जिस तरीके से रिप्लाई देता है, जिस तरीके का चीजें देखता है कि किस रिगार्डिंग वहां पर रिप्लाई आ रहा है, मतलब पोस्ट हो रहा है, उसी के रिकॉर्डिंग जो है यहां पर, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां पर रिप्लाई ऑटोमेटिक आता है, ये कोई भी मैनुअली रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, ये SMS जो है यहां पर टाइम डेट और नाम जो है एक फॉर्मेट किया होता है,
टोटली जैसे ही होता है ऑटोमेटिकली रिप्लाई उसके अंदर चला जाता है। तो ये आप लोगों को सोचना नहीं है कि आप अगर लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो और इस तरीके का काम करने के बाद डीएनडी एक्टिवेट कर देगा और आपके पास कॉल्स नहीं आएगा, टोटली फेक है। टोटली यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इसी बंदे ने क्या किया, फोन किया, फोन करके बात किया तो पता चला कि भाई मैंने तो लोन लिया है, लोन लेने के बाद जो है डीएनडी एक्टिवेट तो होगा नहीं क्योंकि वहां पर रिपेमेंट करने का टाइम तक जो है वहां पर वो परेशान करेगा, फोन में कोई भी डीएनडी एक्टिवेट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ डीएनडी एक्टिवेट करेगा तभी जब आपने कोई लोन नहीं लिया है लेकिन आपके पास प्रमोशनल एसएमएस जो है, कॉल्स जो है आ रहा है, तभी आपके पास डीएनडी जो है एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बोला था, वीडियो पूरा देखिएगा तभी सही तरीके का चीजें पता चलेगा, नहीं तो आप लोग ऐसी चीज करोगे, आप लोग पोस्ट कर दोगे, आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा और आप लोग सोचोगे भाई मेरा तो जो है बल्ले बल्ले हो गया, अब जो है यहाँ पर कोई भी कॉल्स नहीं आएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं यहाँ पर ये जो भी है ये टोटली अलग चीजें बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को गलत फहमी में रहना नहीं है, आप लोगों को गलत जो है इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए वीडियो बना लिया ताकि आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिल जाए और आप लोगों को इस तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े इन फ्यूचर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब देख लीजिए, चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।